Good morning, class. Good morning, ma'am. डॉक्टर नंद कुमार बाल गुरु में आपका स्वागत है। डॉक्टर नंद कुमार, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि तनाव क्या है और क्यों होता है। तनाव काफ़ी आजकल काफ़ी प्रचलित विषय है और ऐसे देखा जाए तो तनाव बड़ा एक सामान्य विषय है। तनाव की बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ना कोई अबनॉर्मल चीज़ है। अगर हम ऐसा माने कि तनाव एक नॉर्मल तरह की प्रक्रिया है, जैसे अगर तनाव नहीं तो हम कुछ काम भी नहीं करेंगे, तो तनाव एक बिल्कुल है ना फिजियोलॉजिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल प्रक्रिया है। हाँ, जब तनाव एक नॉर्मल से ऊपर जाता है, जब आपको नुकसान करता है, तो फिर हमको लगता है कि नहीं, परेशानी हो रही है, या बीमारी का एक रूप ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपको तनाव नहीं हो तो आप ऑफिस नहीं जाओगे 10 बजे उठ के, ये तनाव नेचुरल है। आप संडे है तो घर में बैठे रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे। अगर आपके पास तनाव है तो आप रूटीन एक्टिविटी करते रहोगे, ठीक है। बट आपके पास 10 मिनट में अगर काम करना है 5 काम, और आपको पता है कि नहीं होगा, तो आपको काफ़ी टेंशन होता है, एंजाइटी हो जाती है, तो ये फिर तनाव हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो बॉडी करता है रिएक्ट, बॉडी एंड ब्रेन दोनों, किसी भी सिचुएशन पे, उसको हम लोग बोलते हैं तनाव या स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है इट्स अ रिएक्शन फ्रॉम द बॉडी और द ब्रेन। तो इस तरह तनाव नॉर्मल माना जाता है, बट एक हद से अधिक होता है जब तनाव, तो आपके जो कार्यक्रम है, जो आपके क्रिया है, क्रियाकलाप है, जो वर्किंग कंडीशंस है, जब उससे फर्क पड़ता है तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस हो गया, तनाव नहीं बनता। क्या पढ़ने में तेज तर्रार स्टूडेंट्स को भी तनाव होते हैं, और उसे ऐसा क्यों होता है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इनफैक्ट जो तेज स्टूडेंट होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, उनको तनाव अधिक होता है। कारण क्या है कि उनको उम्मीदें काफ़ी अधिक होती है, इसलिए कि अगर आपको ये पता है कि मैं पढ़ने में तेज हूँ, तो बाकी लोग को ये पता होता है कि आप पढ़ने में तेज हो, तो उनके पास एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई इनका तो 90% के नीचे आ नहीं सकता, तो उसका एक हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, मतलब उनको परफॉर्म अच्छा करना है, और अगर परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे तो उनको एक जो एक्सपेक्टेशन है पब्लिक का, वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो दे आर मोर वल्नरेबल, ये अधिक वल्नरेबल होते हैं इस तरह के तनाव के लिए। और जैसे जैसे एग्जामिनेशन आता है, तब से ये बढ़ते जाता है परफॉर्मेंस। दूसरा बात एक और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग अधिक इंटेलिजेंट होते हैं, वो शायद बहुत एंग्जस भी होते हैं, इसलिए उनको उनकी जो परफॉर्मेंस है वो जुड़ी होती है एंग्जाइटी से, कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा, अगर पढ़ूंगा नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, अगर इतने बजे तक ये ख़त्म नहीं करूंगा तो ये ख़त्म नहीं होगा। सो इट बिकम्स ना इनबिल्ट पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। सो इंटेलिजेंट द पर्सन, परहैप्स दे आर लिटिल मोर वल्नरेबल देन द कॉमन नॉन इंटेलिजेंट पर्सन सो कॉल्ड। डॉक्टर, बात हम ज़रूर स्टूडेंट्स की कर रहे हैं, लेकिन ये मामला सीधे तौर पर पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है, तो पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके बच्चे को तनाव ना हो? बिल्कुल सही कहा आपने। आमतौर पे आप देखेंगे कि नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को बोलते हैं सुबह जल्दी उठ जा, जल्दी उठ जाओ, इतने बजे ये कर लो, इतने बजे ये कर लो। तो पेरेंट्स तो भला चाहते हैं, बट उनको शायद ये पता नहीं चलता है कि तनाव वो खुद क्रिएट करा रहे हैं। अगर थोड़ा सा पेरेंट डेविएट कर जाए, जिससे पेरेंट्स ये कहें कि ठीक है, एक अच्छी नींद रात को लो, थोड़ा जल्दी सो जाओ, सुबह उठ के पढ़ लो, ठीक है, पढ़ाई नहीं हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स कर लो, सब हो जाएगा, तो ये हम लोग बोलते हैं रीअश्योरेंस। तो रीअश्योरेंस बड़ा ही काम का होता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कुछ गलती हो गई और आपके बॉस बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तो फिर आप एक हिम्मत जुड़ा लेते हो फिर से। और अगर आपसे गलती हो गई बॉस नहीं, तो गलती करते रहते हो, इसका मतलब होता है आप जुटा नहीं पाते हिम्मत। सेम वहाँ भी होता है कि बेटा एग्जाम आ रहा है, जल्दी करो, ये कर लो, उससे बात करो, ये ट्यूशन ले लो। तो आई थिंक वी शुड हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन द किड्स एबिलिटी टू परफॉर्म, एंड वी शुड इनकरेज। अब पेरेंट्स को भी चाहिए कि उसको इनकरेज करें कि सब ठीक हो जाएगा, तुम कर सकते हो, इतना बोलना भी काफ़ी होता है कि तुम कर सकते हो।
डॉक्टर ये बताएं कि तनाव की वजह से स्टूडेंट्स किस स्थिति में सुसाइड कर लेते हैं और एक स्टूडेंट इससे बचने में खुद की कैसे हेल्प कर सकता है? कि तनाव से सुसाइड सीधे नहीं होता है, अगर देखा जाए तो तनाव तो बहुत लंबा चलते रहता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल चीज़ें एक साथ काम करती है। जैसे मान लीजिए तनाव, मैं पिछले 4 महीने से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 4 महीने से एग्ज़ाम की तैयारी करने के साथ साथ मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से। मैं सोता हूँ तो 2 घंटे तक सोता हूँ, 3 घंटे तक सोता हूँ, उसके बाद मैं उठ जाता हूँ, अच्छी नींद नहीं आती है। ऊपर से जो है प्रेशर है दोस्तों का कि तूने ये नहीं किया, मैंने तो ये कर लिया, या पेरेंट्स का है कि अगर इतना नहीं होगा तो एडमिशन कहीं पर नहीं होगा। तो ये चीज़ें नो धीरे धीरे एक्युमुलेट होती है और एक्युमुलेट होते होते हम लोग बोलते हैं कि बच्चा डिप्रेस हो गया। तो डिप्रेशन का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जहाँ की बच्चा ये फील करता है कि आप ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि होपलेस हो जाना, कोई आशा नहीं है। क्या उसे लगता है कि अब मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। हम लोग बोलते हैं वर्थलेसनेस की फीलिंग होती है, आई एम ऑफ नो वर्थ ना। तो जब ये वाली बात आती है होपलेस वर्थलेस, तब लगता है कि फिर मेरा जीने का फ़ायदा क्या है, जब मैं मेरा कुछ ठीक ही नहीं हो सकता है, जब मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, तब आती है सुसाइड की बात। इसमें जो देखा जाए तो कुछ कुछ बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम इसको रोक सकते हैं। जैसे मैंने इसके पहले कहा था कि एक टारगेट बनाना, एक रियलिस्टिक टारगेट, एक अच्छी नींद लेना, थोड़ा लोगों से मिलना जुलना ताकि ब्रेन का अदर पार्ट भी एक्टिव रहे। अदरवाइज अगर हम केवल केवल पढ़ाई करते हैं, केवल पढ़ाई करते हैं, एक तरह से ब्रेन एक टनल टाइप का हो जाता है, एक टनलिंग ऑफ द सिस्टम जो होता है वो हो जाता है और बाकी की जो एक्टिविटी है ब्रेन की वो बंद हो जाती है। और हम ब्रेन का या कोई बॉडी का कोई भी हिस्सा हो उसको रिफ्रेशमेंट चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने हाथ को उठा कैसे रखता हूँ आधे घंटे तक, तो हाथ को में पेन होना शुरू हो जाएगा, जब तक मैं इसको नीचे नहीं करूँगा तो भी आराम नहीं आएगा। तो सेम थिंग अप्लाइज टू ब्रेन सेल्स ऑल्सो, तो ब्रेन को भी आराम देना पड़ेगा। तो ब्रेन को आराम देने का तरीका है कि जो उससे क्लोज फ्रेंड्स हैं बच्चे के, उससे मिले, थोड़ा पेरेंट्स से बात करें, आधे घंटे का ब्रेक लें, 1 घंटे का ब्रेक लें। उस ब्रेक में ये नहीं सोचें कि मुझे फिर से पढ़ाई करना है, उस ब्रेक में ये सोचें कि आधा 1 घंटा टाइम देख के मुझे बिल्कुल कुछ नहीं करना है, रिलैक्स करना है, फिर मैं उसके बाद जो होगा अपना फिर से रिज्यूम करूँगा अपना कोर्सेस। अगर इसके बाद भी लगता है ठीक नहीं है, या इतने थॉट्स आते हैं कि नहीं मैं इससे बिल्कुल नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता है, मुझे जीने का फायदा नहीं है, तो ये सही वक्त है डॉक्टर को मिलने। जी बहुत सटीक बात आपने बोली और लगातार स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो अपने प्रेशर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो बहुत मुश्किल है उन्हें बाहर निकल पाना। तो डॉक्टर अगला सवाल आपसे ये है, आए दिन कोटा से सुसाइड की खबरें आती हैं, पिछले 1 साल में IIT और मेडिकल की तैयारी करने वाले सैकड़ों छात्र खुदकुशी कर चुके हैं, तो आपकी नज़र में इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? देखिए जिम्मेदार किसी को बताना बड़ा वो है, जटिल है और मेरे ख्याल से उचित भी नहीं है। हम ये कहें कि जिम्मेदार कोटा वाले हैं या पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं। एक्चुअली ये जो कल्चर डेवलप हुआ है कोटा में, कंबाइन कल्चर, ऐसा नहीं कल्चर एक आदमी डेवलप किया है। जैसे मान लीजिए कि 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं कोटा में, जो 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं तो जो कोटा का सिस्टम डेवलप हुआ है वो केवल डेवलप हुआ है पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पे और कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक लोग बताते हैं कि जितने भी घर हैं आसपास वो हॉस्टल में कन्वर्ट हो गए हैं, और जब लोग जाते हैं तो केवल पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ कंपटीशन काफ़ी अधिक है, इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर कॉम्पिटिटिव माहौल बहुत अधिक इंटेंस हो और सपोर्ट सिस्टम नहीं हो तो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत दिक्कत होती है उनको। और वहाँ पर भी बहुत का ग्रुप बन जाता है, जैसे कि अलग अलग बच्चे हैं तो ब्रेन लोग का अलग ग्रुप बन गया, तो कम इंटेलिजेंट अलग ग्रुप बन गया, ये पूरा ग्रुप ही फ्रस्ट्रेट रहता है कि मुझे तो सवाल नहीं पूछे जाते हैं कोचिंग में, या मुझे उस बेंच पे नहीं बैठ सकते हम बिकॉज ये बेंच टॉपर का होता है। इवन जो परफॉर्म करने का प्रेशर है वो टीचर्स को भी काफ़ी होता है, क्योंकि मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अधिक से अधिक निकले, कम्पीट करें किसी पर्टिकुलर कम्पटिशन में, तो वो भी काफ़ी प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। पेरेंट्स का भी अलग होता है कि भाई
कितने पैसे लगाए हैं, इतने दिन हो गए करने के लिए, वो भी होता है। बच्चे बेचारे खुद कोशिश करते हैं लेकिन सबका अलग अलग लेवल होता है इंटेलिजेंस का, उतना कोप नहीं कर पाते वो। जो सबसे जो पैथेटिक है कि लगता है कि कोटा जाने के बाद एक ऐसा फीलिंग लोगों में डाला जाता है कि वंस वर इन द कोटा यू हैव डन इट, बट ये फैक्ट नहीं है। अगर आप कोटा का परसेंटेज देखें निकाल के तो 2 लाख में से कितने लोग करते हैं कम्प्लीट, 2 लाख में से 10,000 करते होंगे, इट इज नॉट मोर देन 10,000, सो द परसेंटेज इज नॉट वेरी मार्क्ड। तो कोटा को करते हैं वैसे प्रोजेक्ट, बट अगर वैसे देखिए तो आप जो बाहर के लोग कोचिंग वाले हैं बच्चों भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से ज़रूरत ये है कि कोटा अगर हम जो भेजते हैं बच्चे को थोड़ा वहाँ के माहौल को भी समझें, सपोर्ट सिस्टम को थोड़ा इंटैक्ट रखें, या अगर कुछ परसेंटेज कम आ गया तो बहुत प्रेशराइज नहीं करें। बहुत बार ऐसे होते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं, 17-18 साल के होते हैं, उनके अलग कुछ नीड्स भी होती हैं, जैसे उनके फ्रेंड्स के भी नीड हैं, उनका अलग बायोलॉजिकल सिस्टम भी चेंज हो रहा है, उनको इंटरटेनमेंट भी चाहिए, वो बेचारे नहीं पढ़ पाते वहाँ पर, तो सपोर्ट और कहीं ढूंढते हैं, रिलेशनशिप इशू हो जाते हैं उनके, ये भी कुछ 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 मामले में देखा हम लोगों ने कोटा के। तो एक ये कंबाइंड है, एक कलेक्टिव फैक्टर्स हैं, मतलब एक को दोष नहीं दे सकते हम कि कोटा इंस्टीट्यूट के चलते ऐसा हो रहा है, या पेरेंट चलते ऐसा हो रहा है, या बच्चे के चलते ऐसा हो रहा है। इट्स अ रैट रेस बीइंग पुश्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। जी डॉक्टर, अगला सवाल है, कई लोग टेंशन से बचने के लिए और एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करने के लिए योग और मेडिटेशन की सलाह देते हैं, तो डॉक्टर ये बताइए कि मेडिकल साइंस क्या कहता है? हाँ, मेडिकल साइंस इसके पक्ष में है, इसलिए कि अगर आप याद करो तो स्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ द बॉडी का रिएक्टिविटी से, जब बॉडी और ब्रेन करता है रिएक्ट स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस एंड रिएक्टिविटी मीन्स कि द बॉडी इज नॉट रिएक्टिंग, द नर्वस सिस्टम इज रिएक्टिंग। जैसे कि मान लीजिए अचानक कुछ आवाज़ हुई तेज की, तो हम करते हैं रिएक्ट, पता नहीं क्या हो गया। तो योगा एंड मेडिटेशन जो है इट हेल्प्स इन कामिंग डाउन द नर्वस सिस्टम। जैसे मान लीजिए अगर योगा हम करते हैं, अगर हम ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं, तो हम लंबा सांस लेते हैं, लंग का एक्सपेंशन होता है, तो जब लंग का एक्सपेंशन होता है तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नर्वस सिस्टम जिसको लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तो वो एक्टिवेट होता है। जब भी एक्टिवेट होगा तो हम रिलैक्स फील करेंगे। अगर हम बहुत एक्साइटमेंट में हैं तो उसमें एक अलग सिस्टम एक्टिवेट होता है नर्वस सिस्टम का, उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक का मतलब होता है फास्ट काम करना है, दिल धड़कता है, भागने वाला चीज होती है, हम लोग बोलते हैं फ्लाइट एंड फाइट, जल्दी जल्दी करो, तो वो होता है। तो योगा के थ्रू हम इनको कर सकते हैं मॉड्यूलेट, सिस्टम जो है हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम इसको हम फास्ट या स्लो कर सकते हैं। बेस्ट होता है ब्रीथिंग टेक्निक, जैसे अगर बच्चे या कोई भी पेरेंट्स भी को बहुत टेंशन होता है, जैसे आपके आने के पहले मेरे पास एक फोन आया था कि एग्ज़ाम बच्चे का 1 मार्च से है, वो तो काफ़ी रो रही है, इसके पहले बिल्कुल नहीं रोई, तो मैंने कहा कुछ नहीं करना है, बेटर क्राई, आकर घर जाओ, तो बोलो कोई बात नहीं, एक अच्छी नींद लो, चलो कहीं घूम कर आते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है, बट ड्यूरिंग दैट टाइम नथिंग। सो बेस्ट होगा अगर जब अगर बच्चे कर पाए तो अगर ये मेडिटेशन थोड़ा सा करें या ब्रीदिंग टेक्निक थोड़ा सा करें, इसमें आराम से बैठना होता है, स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, और उसमें स्पाइन स्ट्रेट होकर लंबी सांस लेके बिना रोके हुए धीरे धीरे छोड़ें, कम से कम 7 या 8 बार ऐसा करें, वो देखें दे विल फील रिलैक्स। जी कई संस्थाएं और अस्पताल स्टूडेंट्स के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करते हैं, इससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स किस तरह का लाभ उठा सकते हैं? इससे लाभ उठा सकते हैं, बट बसरते की जो भी संस्थाएं चला रही हों उनके जो लोग हैं वो काफ़ी ट्रेंड हों, इसलिए कि मान लीजिए कि हम सलाह देंगे वही जो हम अगर ठीक से जानते हैं, तो प्लस इट रिक्वायर्स वेरी हाई डिग्री ऑफ पेशेंस। जैसे मान लीजिए जो हेल्पलाइन चलते हैं, अगर 50 कॉल आ गए तो 50 कॉल में आप मैकेनिकल नहीं हो सकते हो, यू शुड हैव वेरी हाई डिग्री ऑफ नो पेशेंस टू लिसन, और सुन के फिर उनको जो है जवाब देना। सुनने का मतलब वो नहीं कि केवल सुन लेना। तो जो भी कुछ कुछ संस्थाएं हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, बट जो भी चला रहे हैं उनको जरूर ध्यान देना चाहिए कि जिनको हम चूज़ कर रहे हैं
चलाने में या हेल्पलाइन को रन करने में दोस परसेंट में प्रॉपरली ट्रेंड। डॉक्टर आखिरी सवाल है, आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई करें, रिलैक्स रहें, आउटकम डिफर हो सकता है तो उसके लिए तैयार रहें, अगर रिजल्ट खराब भी हो जाता है दिस इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं खुले में। बालगुरु से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।